आफ्टरनून गाइस, अभी सुबह के हो रहे हैं 12:15 और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे जिस तरह से मैं हूँ। और पीछे आपको दिख रही होगी गाड़ी की लाइट जलते हुए, तो कहीं ना कहीं तो जाने की तैयारी हो रही है। और हाँ, आपने सही समझा है, जाने की तैयारी हो रही है। आप लोग के लिए एक बढ़िया सी लोकेशन पर जा रहा हूँ शूट करने के लिए, तो वो लोकेशन शायद आपको DPI टाइटल में देखकर पता भी चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी नहीं भी पता चला है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो और इन्जॉय करो। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत यू नो नेक्स्ट लेवल ब्लॉग होने वाला है। और हाँ, आपको थोड़ा सा वाइड एंगल भी आ रहा होगा आपका पूरा पीछे से, क्योंकि गोरिल्ला पॉड खरीद लिया है, तो गोरिल्ला पॉड से थोड़ा सा यही इफेक्ट होता है कि आपको थोड़ा सा वाइड एंगल मिल जाता है। नहीं तो फ़ोन से पकड़ते ना तो फ़ोन थोड़ा क्लोज आता है। देखो, मैं इसको अगर थोड़ा सा और ऊपर उठा लूँ ना तो मेरे को पूरी अपनी पार्किंग नज़र आ रही है, पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है चमचमाती है। तो अभी घर से निकलते हैं और आपको कुछ टाइम लैप्स दिखाते हैं गाड़ी के, और आपको सीधा लेके चलते हैं उस लोकेशन पे। और मैं पूरी डिटेल दूंगा उस लोकेशन के बारे में कि क्या कैसे जाना है, कहाँ से आपको टिकट्स मिलेंगी, क्या प्राइसिंग रहेगी और क्या जाना भी इफेक्टिव है वहाँ पे या नहीं है। तो यार, जैसे कि मैंने अपने टाइम लैप्स देखे होंगे अभी, और हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। और ये पीछे दिख रहा होगा आपको, देखो शायद देख पा रहा हो, पीछे पुराना किला है यहाँ पे, वो देखो पीछे नज़र आ रहा है छोटा सा। और अभी चलते हैं डायरेक्टली जिस लोकेशन के लिए हम निकले हैं घर से और जहाँ जाना है, आपको दिखाता हूँ। गाइस, वीडियो पूरी देखना एंड में बताऊंगा कि क्या टिकट का प्राइस रहने वाला है, क्या आप कैसे जा सकते हैं कैसे नहीं जा सकते, सारी चीज़ आपको एंड में बताऊंगा, देखते रहिए आप भी। फिलहाल I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. शायद ही मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो DPI टाइटल से अगर ना पता चला हो तो मैं बता देता हूँ। वी आर एट ट्रेड फेयर, हम ट्रेड फेयर आए हैं देखने के लिए, जस्ट एक्सप्लोर करने आए हैं, आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाना था थोड़ा सा, तो सोचा कि एक्सप्लोर करते ही यहीं पे। और ये देखो पीछे बढ़िया सा व्यू आ रहा है यहाँ पर, पूरा वाटरफॉल व्यू है। और अगर यहाँ से देखो ना, पूरा हुनर हाट, इस बार स्पेशल थीम रखी गई है हुनर हाट की, तो जो कि और भीड़ सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो वॉइस ओवर कर लेंगे, बाकी फैमिली के साथ आए हुए। ये देखो पीछे फोटो सेशन चल रहा है, पीछे पूरा पूरा भीड़ देखो यार, पूरी प्रॉपर तगड़ी वाली भीड़ हो रही है इस टाइम पर। सभी को इंतजार था इस बार की स्पेशल थीम का, जो कि थी हुनर हाट, तो हम फाइनली हुनर हाट में आ गए हैं। ये देखो ये पीछे दिख रहा होगा हुनर हाट आपको, और अभी एंटर कर रहे हैं हुनर हाट में, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या है। देख लो यार, हुनर आर्ट
रात की स्टार्टिंग में मम्मी की शॉपिंग चालू हो चुकी है। पहली स्टॉल पर हमने रुकी है राजस्थानी जूती, और जूतियाँ देखी जा रही हैं यहाँ पर। ये देखो शायद दिख रही होंगी अगर भीड़ थोड़ी सी हटे तो। देखो जूतियाँ देखी जा रही हैं, चप्पलें देखी जा रही हैं। दिल्ली से तो खुद ने वो खरीद ली चप्पल, अब उत्तर प्रदेश से क्या खरीदोगे? फाइनली वी आर एंटरिंग इन उत्तर प्रदेश। मैं दिखाता हूँ आपको दिल्ली ख़त्म हुनर हाट की जो भी क्लच थी आपको दिखा दी मैंने। अब ये देखो एंट्रिंग इन उत्तर प्रदेश। अभी तो दिल्ली में आपको हुनर हाट दिखाया, तो उत्तर प्रदेश का तो आपको फेमस मालूम ही है योगी जी हमारे। ये देखो यहाँ से पोस्टर में दिख रहे होंगे आपको किसी योगी जी बने। अब फाइनली एंट्रिंग इन उत्तर प्रदेश, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशन। जी योगी जी का भी स्टेट ख़त्म हो चुका, अब एंटर करते हैं बिहार में। जैसे कि आपको ये ब्लू वाली आपको बिहार वाली लाइट दिख रही है, तो पूरा प्रॉपर आ रहा होगा इसे। बिहार झारखंड में एंटर कर रहे हैं, और देखते हैं बिहार की क्या परंपरा और क्या संपत्ति हमें देखने को मिलती हैं। जो देखने को मिलेगा आपको सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ जैसे दिखाते जा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर फाइनली बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी आप फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर बोर्ड से दिखे। यहाँ पर बोर्ड लगाऊँ आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखो झारखंड का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अरे मम्मी पीछे घूम रही है आज लाते। उत्तर प्रदेश में तो सबको कुछ मिला नहीं, अब क्या बिहार में से कहीं लोगों को कुछ बिहार में से। चलो उत्तर फाइनली दिल्ली में से तो जूतियाँ खरीद ली, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, बंदूकें नहीं मिली उत्तर प्रदेश में योगी जी के देश में। तो अब देखते हैं झारखंड में क्या मिलने वाला है, झारखंड से देखते हैं क्या खरीदेंगे। यार भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो रही है, मास्क भी नहीं उतार सकते क्योंकि यार चारों तरफ कोविड का भी वो सिचुएशन है, इतनी हद से ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है, बट कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आवाज़ मेरी आ जाए एज़ मैंने माइक जिस तरह से सेट किया है। बाकी चलो आपको अब दिखाते हैं पूरा झारखंड, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। झारखंड की एंट्री जो है बहुत ही एपिक है, अब तक मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो झारखंड की लाइटनिंग्स एंड डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लगी। इतना दिल्ली और उत्तर प्रदेश का भी था जितना कि यहाँ पे है, बहुत एकदम लीनियंसी एक एक चीज़ पे इतना क्लियरली इन्होंने बना रखा है ना, एक स्पेशियस बना रखा है, तो बड़ा अच्छा फैमिलियर ये देख सकते हैं। अब देखो मम्मी रुक गई है झारखंड में और देख क्या रही है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या देख रहे हैं। मम्मी क्या देख रहे थे? ये देखो यहाँ के पीछे देखो क्या देख रहे थे मम्मी, उठा उठा के बालू बालू से उठा उठा के देख रहे हैं। देखो ये दिखा रही हूँ मम्मी, ये ले ले। ये देखो जैसे कि मैंने कहा था ना कि दिल्ली से ले ली चप्पल, यूपी में कुछ पसंद नहीं आया योगी जी के देश में, और यहाँ से क्या लिया है ये देखो। ये लिया मम्मी ने यहाँ से, पता नहीं क्या सोचने के लिए पर ले लिया है।
My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Stalking my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in जिन लोगों का गोवा जाने का सपना पूरा नहीं हुआ है वो आज हो जाएगा गोवा जाने का सपना पूरा. मैं भी गोवा नहीं गया हूँ, मेरा भी गोवा जाने का सपना पूरा हो जाएगा. यहाँ से ये देखो पीछे गोवा का स्टेट आपको दिख रहा होगा. उसके बाद अब इसके अंदर जाते हैं और अपने अपने जिन जिन भाइयों के अरमान हैं गोवा जाने के, वो अपने सारे अरमान मेरी वीडियो देख के पूरे कर लेना, ठीक है? अभी हम चलते हैं गोवा के अंदर सीधा, आपको दिखाते हैं. Family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, yo. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm from the stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My fame, really not tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this chain. It's taking over, I'm बैठ नहीं सकते पर चलना तो पड़ेगा ब्लॉग बनाने के लिए. पर यार इतनी मेहनत करते हैं, एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है इसके लिए. एक यार प्यारा सा लाइक दे देना और एक कमेंट दे देना बढ़िया सा, कैसे लगे वीडियो. I'm floating through the air.
बराबर तो है वो ये देखो ना, वो छोटा लग रहा है उसमें देखने में, नीचे वाला लंबा नहीं लग रहा। अच्छा ये दिन के 1 बजे के आए हुए हैं और अब शक्ल के 12 बज चुके हैं और हालत की हुई क्योंकि थक गए हैं भाई। इतना ज़्यादा आप लोगों ने कंटेंट बनाने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है ना, पूरा लगभग ग्रेट फेयर घूम ही लिया ज़्यादा मतलब। और एक चीज़ यार, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी हो तो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इतना बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। अभी तक जो कंटेंट बनाया आपको अच्छा लगा होगा, जो भी सिनेमैटिक्स है थोड़ी बहुत चीज़ें सारी चीज़ें आपको दिखा दी मैंने। और यार अब हिम्मत नहीं है, अब चलते हैं घर की तरफ को और आपको मैं सारी चीज़ें घर जाके बताऊँगा कि क्या टिकट के प्राइसिंग है, आप किस तरह से जा सकते हैं। मैं तो गाड़ी से गया था पर्सनली, तो मैं आपको गाड़ी का भी एज पर रूट बता दूँगा और पूरा बस वस का भी रूट बता दूँगा और मेट्रो का रूट बता दूँगा किस हिसाब से जा सकते हैं। तो चलो मिलते हैं डायरेक्टली सीधा घर में। और जो भी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना।